ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आइए खबरों में बढ़ते हैं आगे। राजधानी के थाना क्राइम ब्रांच की टीम को बड़ी सफलता मिली है। मुखबिर की सूचना पर नकली नोट बनाने वाले शातिर अपराधी अब कानून की गिरफ्त में है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंकित जायसवाल ने पूरे मामले का खुलासा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों से 12,17,500 रुपए के साथ एक एचपी कंपनी का स्कैनर, प्रिंटर और थाना परवलिया हल्का पटवारी व रजिस्ट्रार की फर्जी स्टाम्प सील एवं दो पहिया मोटरसाइकिल बरामद की है। ब्रांच ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली नोट का हम लोगों ने गिरोह का पर्दाफाश किया है, जिसमें करीब 12,17,000 के हमें नकली नोट मिले हैं। इसमें हमारे पास जो जानकारी थी क्राइम ब्रांच के पास, वो ये जानकारी थी कि एक आरोपी जो कि नकली नोट लेकर पकड़ा और उसके पास से हम लोग को ये नोट बरामद हुए हैं। इसमें टोटल मेन जो दो आरोपी हैं, ये इसमें जो मेन जो सरगना है इसका गिरोह का, रुद्र उर्फ राजवीर चौहान, पिता चंद्र सिंह चौहान, उम्र 32 वर्ष, निवासी 70 प्रताप नगर सप्संगी माता मंदिर के पास देवास, जो कि हाल ही में इधर छोला मंदिर भोपाल में रह रहा था। ये व्यक्ति 2019 में इंदौर एसटीएफ के द्वारा पकड़ा गया है और इसी प्रकार के नकली नोट के केस में पकड़ा गया था। इसका जो दूसरा साथी है सतीश संकवार, पिता गणपत लाल संकवार, उम्र 26 वर्ष, निवासी कोली मोहल्ला श्यामपुर जिला सीहोर। ये व्यक्ति सन 2018 में एक 376 के मामले में, 376 पॉक्सो के मामले में जेल गया हुआ था। वहीं इन दोनों आरोपियों की जान पहचान हुई थी, जिसके बाद बाहर निकलने पर इन लोगों के द्वारा ये नकली नोट का काम चालू किया गया। इसमें जो स्टोरी है वो पूरी इस प्रकार है कि रुद्र के द्वारा जब बाहर निकला तो लोन का काम किया जाता था, सेंक्शन प्राइवेट लोन सेंक्शन कराने का काम ये करता था, लेकिन उसमें कमीशन कम मिलने पर इसके द्वारा ये नकली नोट का काम फिर से स्टार्ट किया गया, जिसमें इसने सतीश को भी अपने साथ संलिप्त किया। इसमें जो आरोपी है रुद्र, उसके पास से हम लोगों को कुछ फर्जी सील्स भी मिली हैं, जो कि थाना परवलिया हल्का पटवारी और ये लांबा खेड़ रजिस्ट्रार जन्म मृत्यु, इन लोगों की कुछ जो हम लोगों को फर्जी सील्स मिली हैं, जो ये लोन में कोई भी कागजात कम रहता था तो उसको ये फर्जी सील लगाकर पूर्ति करके और लोन सेंक्शन करवाते थे। इसमें अभी जो हम लोगों को टोटल जो 12,17,000 का जो हमें मिला है टोटल मशरू का मिला अभी तक, ये साइबर क्राइम के द्वारा क्राइम ब्रांच के द्वारा ये बड़ी कार्रवाई रही है, जिसमें मुख्य भूमिका जो है गौतम नगर थाने के KSI हैं गजेंद्र, उनके द्वारा निभाई गई है। और इसमें हमारे DSP शिवपाल सिंह चौहान और DSP अक्षय चौधरी और जो पीछे हमारे टीम के मेंबर्स जो खड़े हैं, इनके द्वारा अच्छी भूमिका निभाई गई है। अनूप ने भी इसमें लीड किया है, जो कि हमारे यहाँ थाना प्रभारी क्राइम ब्रांच। सर, मुख्य आरोपी देवास का रहने वाला है, अभी तक इसकी कोई भी ऐसी पुष्टि नहीं हुई है। और इसमें जो इसके पूरे जो पुराने दो आरोपी जो इसके साथी थे उनके भी हम लोगों ने तस्दीक करी है, जिनके द्वारा ये काम पहले किया गया था, बट अभी इस बार उनकी संलिप्तता नहीं आई है और ना ही ऐसा कोई कनेक्शन उसका बैंकिंग जो प्रेस नोटिस आया है। नकली नोट बनाने में पहले भी पकड़ा जा चुका है, 2019 में एसटीएफ ने पकड़ा। अब जो नोट बना रहा था तो उस समय के नोट और अब के नोट में क्या इसका डिफरेंस रखा था कि अब मैं पकड़ाना चाहूँ? डिफरेंस कोई ऐसा डिफरेंस नहीं था, और क्वालिटी जरूर इनके द्वारा जो पेपर यूज़ किया जाता है वो रॉयल बॉन्डिंग पेपर यूज़ किया जाता था, जिससे कि क्वालिटी थोड़ी ठीक रहती है और एकदम से व्यक्ति कोई हाथ में लेगा तो उसको समझ नहीं आएगा कि ये नकली नोट है, जब तक वो उसके बेस हाँ वो फोटोज और हम लोग आपको नोट मार्केट में चला। इनके द्वारा ये जो नोट है करीब, इनसे जो हमें जानकारी मिली है, इसने करीब 2-2.5 लाख के पहले भी प्रिंट किए हैं, जिसको इन लोगों ने चलाए हैं पहले मार्केटों में। ये इनकी योजना ज़्यादातर ये रहती है कि जुए के फड़ में और जो छोटी छोटी मार्केट्स हैं उसमें ये लोग चलाते हैं। अभी उनकी कोई रिकवरी नहीं हुई है और इसमें हमारी टीम लगी है, अगर कुछ रिकवरी होती है तो जरूर करेंगे। और भी लोगों को पकड़ाने की संभावना है जी? शहर तो इनके भोपाल, इंदौर सब जगह, सीहोर में भी चलाए हैं, और इनके द्वारा जो पुष्टि मतलब यही बताई गई कि छोटे मार्केटों में चलाते थे, इनकी रिकवरी होना बहुत ही मुश्किल है। नहीं नहीं, ये स्वयं करते थे, इसमें अभी और किसी की संलिप्तता नहीं आई। इस ग्रुप में और भी लोग शामिल हो सकते हैं क्या? अभी तक की जांच में हमारे सिर्फ ये 2 लोग आए हैं, और इसमें अगर आगे किसी का नाम आता है, अभी हम लोग तस्दीक कर रहे हैं और आता है तो उस पर सबसे कार्रवाई करेंगे। तो ये क्या लोन दिलाने वाले लोगों को भी इस नोट में कहीं ना कहीं तो अभी उसमें रखा है?
अभी हम लोग उन सभी से पूछताछ कर रहे हैं जिन लोगों के इन लोगों ने लोन सैंक्शन कराए हैं, और वो दस्तावेजों को भी हम खंगाल रहे हैं। अगर किसी प्रकार की कोई गतिविधि या कोई ऐसा अनैतिक चीज सामने आएगी तो उसमें हम कार्रवाई करेंगे। अभी तक कुछ ऐसी पुष्टि नहीं। सर, प्रिंटर के अलावा और क्या क्या सामान जब्त किया? प्रिंटर और सील्स इनसे जब्त हुए हैं, और जो बॉन्डिंग पेपर जो ये यूज करते थे वो जब्त हुए। प्रिंटर के अलावा कंप्यूटर भी तो रहता है? उसी में स्कैनर रहता है, और वो जो इनका प्रिंटर है वो अच्छा क्वालिटी वाला प्रिंटर है, उसी में स्कैनर भी है जिसका वो पूरी काम उसमें करते हैं। लोन कैसे दिला रहे थे सर? ये प्राइवेट लोन सेंक्शन करवाने का काम करते हैं, जो प्राइवेट जो फ्रीलांसर्स होते हैं जो बैंक से कनेक्टेड रहते हैं, और जगह जगह जाके किसी को भी लोन की ज़रूरत है तो ये उसके ब्याप पे कमीशन बेसिस पे लोन दिलवाते हैं। प्राइवेट बैंकों से? प्राइवेट बैंकों से भी आप पूछताछ करेंगे? हाँ, इसमें हम पूछताछ करेंगे। जैसे जो फर्जी सील वाली जो बात आई है तो उसके लिए हम पूछताछ करेंगे। जो भी इन लोगों ने लोन सैंक्शन कराया उसके दस्तावेज को देखा जाएगा, अगर किसी प्रकार की कोई अनियमितता दिखेगी तो उसमें कार्रवाई करेंगे। पूछताछ में आपके द्वारा बैंकों के नाम सामने अभी इस प्रकार के नहीं आए, अभी पूछताछ जारी है। थैंक यू।